अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी डीसी पावर सप्लाई, जो कि पावर नेट कंपनी वालों की है, डीसी पावर सप्लाई है, इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। मैं अक्सर वीडियोस बनाता हूं तो उसमें लोग ये पूछते हैं कि भाई, आपके पास जो ये बैक साइड पर सप्लाई पड़ी हुई है, हमें इसके बारे में बताएं, इसका क्या काम है, आप इससे कौन सा काम लेते हैं। तो आज मैं उन दोस्तों को ये बताऊंगा कि मैं इस पावर सप्लाई को किस काम के लिए ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे पास एक डीसी पावर सप्लाई है जो कि एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल का मतलब कि ये इसकी सप्लाई वेरी हो सकती है, 1.5 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक ये वेरी हो सकती है। अब अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें कि मैं इसे किस किस जगह पर इस्तेमाल करता हूँ, तो दोस्तों, मैं इसे ज़्यादातर अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको चेक करने के, मसलन के कुछ सर्किट्स होते हैं उनके अंदर करंट अलग से देनी पड़ती है, या रिमोट्स को टेस्ट करने के लिए इस पावर सप्लाई का इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ मीटर्स को, या इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है, वोल्टेज की रीडिंग, और या इसके अलावा अगर मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आ जाएँ तो उनको टेस्ट करने के लिए ये स्प्राई बहुत ही कार आमद है। और इसके अलावा ये यार तकरीबन ये इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी है ना हमारी, उसमें ये बहुत ही अच्छी और कार आमद पावर सप्लाई है, क्योंकि हमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि 0 से लेकर 15 वोल्ट तक मुख्तलिफ पॉइंट्स पर रीडिंग चाहिए होती है। कई दफ़ा हमें 5 वोल्ट चाहिए होते हैं, तो हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने कितनी रीडिंग इससे लेनी है। इसके अलावा मोबाइल रिपेयरिंग के लिए ज़्यादातर ये सप्लाई यूज़ की जाती है। ये सप्लाई की हालत माजत के साथ ये काफ़ी नाजुक हालत है इसकी, क्योंकि ये मुझे लिए हुए इसको 3 साल हो गए हैं, 3 साल से भी मेरे ख्याल से ज़्यादा अर्सा हो गया, इसलिए इसकी हालत गैर हो गई है। तो दोस्तों, मैं आज आपको इसके फंक्शंस के बारे में बताता हूँ, ये बताता हूँ कि आप इससे कैसे अपने इक्विपमेंट को टेस्ट कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके बात करते हैं इसके फंक्शंस की। यहाँ पर इसके हमारे पास सबसे पहले पावर बटन आ जाता है, ये देखें, इससे इसकी पावर ऑन ऑफ होती है। इसके बाद ये करंट है, यहाँ से हम इसकी करंट को वेरी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा इसके करंट को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये एक सिलेक्टर स्विच आ जाता है, जो कि 1.5 वोल्ट से लेकर 7.2 वोल्ट तक इधर से हम ऑटो सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमने वेरी करना हो, यानी कि 0 से लेकर 15 वोल्ट तक लाना हो वोल्टेज को, तो हम इसे इस पर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम खुद से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे मोबाइल को चार्ज करना है, तो मैं इसके 3.7 या 4 से 5 वोल्ट को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये वाली नाब वोल्टेज को आराम से कम करती है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता कम करती है, और ये वाली नाब ज़्यादा जल्दी के साथ करती है। तो अब अगर मुझे मोबाइल को चार्ज करना हो, तब भी मैं इस पावर सप्लाई को यूज़ कर सकता हूँ। अगर मेरी कुछ बैटरीज डेड हो गई हों काफ़ी अर्सा पड़े रहने के बाद, तो मैं इसको एक मखसूस रीडिंग पर सेलेक्ट करूँगा, ज़्यादा वोल्टेज पर, फिर इसको लगाऊंगा उस बैटरी के साथ, तो मुझे यहाँ पर करंट की रीडिंग शो होगी। जैसे जैसे वो बैटरी चार्ज होती जाएगी, करंट की रीडिंग कम होती जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये दो प्रॉड्स आ जाती हैं, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर ग्राउंड है। ग्राउंड पाकिस्तान में यूज़ ही नहीं होती, इसलिए हम नेगेटिव और पॉजिटिव को ही यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसे अपने डिजिटल मल्टीमीटर, जो कि ये आपके सामने है, क्लैंप ऑन मल्टीमीटर, इसके साथ लगाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ये वाकई एक्यूरेट रीडिंग देती है। तो इसको हम ऐसे रख लेते हैं और मैं इसकी नेगेटिव को अपने मीटर की नेगेटिव के साथ लगा देता हूँ और इसकी पॉजिटिव को अपने मीटर की पॉजिटिव के साथ लगा देता हूँ। तो देखें दोस्तों, ये मैं मीटर को थोड़ा इस साइड पर कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर व्यू मिल सके, ये ठीक है जी। तो अब बारी आती है इसको वेरी करने की। अब मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मुझे 1.5 वोल्ट मिले, तो मैं इसको सबसे पहले 1.5 वोल्ट की रीडिंग पर सेलेक्ट करूँगा। 1.5, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी 1.6, यानी कि कुछ रीडिंग्स का फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं होगी, कुछ थोड़ा ऐसे पॉइंट्स का फ़र्क होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्यूरेट रीडिंग देता है। और अब अगर मैं सेलेक्टर स्विच को आगे करता हूँ, ये 3.6 वोल्ट, ये 4.7 वोल्ट, यहाँ पर हम अपने मोबाइल्स वगैरह टेस्ट करते हैं, या अडाप्टर वगैरह, या बैटरी वगैरह को चार्ज करने के लिए। इसके बाद 6 वोल्ट, यहाँ पर 6 वोल्ट के फ़ैन वगैरह चलाने के लिए, या और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को टेस्ट करने के लिए। यहाँ पर 7 वोल्ट, 7.2, यहाँ पर फिर 5.4 वोल्ट। अब इसके बाद लास्ट पर आ जाती है,
यानी कि ये वाली रीडिंग जो हमने खुद से सिलेक्ट करनी है, ये 5 या कुछ इसलिए आया क्योंकि हमने रीडर से इसको चेंज किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे मेरे पास जो वोल्टेज है वो 3 आए, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लूँगा, तो मेरे पास वोल्टेज 3 के करीब आ जाएंगे। ठीक है, इधर 3 के करीब है, इधर 3 है, तो यहाँ पर मैं इस पर अपना रिमोट को टेस्ट कर सकूँगा। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सप्लाई को वेरी करूँ, कुछ LEDs को सामने लगाऊँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ करूँ तो वैसे वैसे मेरी LED ज़्यादा ग्लो करें, तो मैं इसको वहाँ पर भी यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारा डिजिटल वोल्ट मीटर, जो कि हम डिजिटल DC वोल्ट मीटर, जिसकी मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं, ये देखें, मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर भी देखूँ मैं मुझे कितनी रीडिंग मिल रही है, तो आप ये देख सकते हैं तकरीबन बिल्कुल एक्यूरेट, वहाँ भी 10.3 वोल्ट, यहाँ पर भी 10.3 वोल्ट है। तो हम इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं, आपने मीटर लेके आए हैं, तो आप पहले इसे सप्लाई पर लगा कर टेस्ट करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आपका मीटर बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट 12 वोल्ट देते हैं, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कुछ इक्विपमेंट शॉर्ट होते हैं, इस वजह से अगर ये शॉर्टेज होगी तो यहाँ पर करंट शो करेगी, हमारी आगे वाली जो चीज़ है वो बच जाएगी। जी, तो दोस्तों, अब बारी आती है हमारी इस पावर सप्लाई के साथ हमारे मोबाइल को टेस्ट करने की। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक पुराना मोबाइल पड़ा हुआ है, नोकिया का, नोकिया 2700, तो मैं चाहता हूँ मैं इसको टेस्ट करूँ। तो आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जब हम नोकिया का मोबाइल टेस्ट करते हैं, तो ये नेगेटिव रीड को दोनों ये बैटरी के दोनों पॉइंट्स के साथ हमने अटैच करना होता है, और जो पॉजिटिव रीड होती है उसको हमने पहले वाले पॉइंट्स के साथ अटैच करना। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि आपने जब भी किसी मोबाइल को टेस्ट करना है, आपने उसके वोल्टेज 3.7 या 4.7, यानी कि आपने या इसके वोल्टेज 3.78 वोल्ट या 4.78 वोल्ट तक रखने हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखने हैं। अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो आपका मोबाइल भी डेड हो सकता है। ठीक है, ये मैंने अभी लगा दिया, तो हम इसकी पावर को ऑन कर लेते हैं। ये देखें, आपको इधर रीडिंग मिल रही है, इसका मतलब है आपका मोबाइल भी ठीक है और आपको रीडिंग अप डाउन मिल रही है। ये आपके सामने मोबाइल ऑन हुआ तो फिर बंद हो गया, मैं दोबारा से ऑन करता हूँ। ठीक है, ये देखें, इससे हमें यही पता चलता है कि हमारा मोबाइल हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, आपके सामने रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मोबाइल बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अगर आपको यहाँ पर रीडिंग नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब है आपका मोबाइल बिल्कुल डेड हो गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इस पावर सप्लाई के साथ मैंने बैटरी के बगैर अपने मोबाइल को टेस्ट भी कर लिया है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जब हमारे पास अगर मोबाइल शॉर्ट होगा, या हमारी ये प्रोड्स दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये देखें, आप देख सकते हैं ये वोल्टेज 0 हो जाते हैं। इसका ये मसला है कि हमें इसे फिर से दोबारा से ऑन करना पड़ता है। मगर मैं आपको ये कहूँगा कि आपने जब भी पावर सप्लाई लेनी है मोबाइल के लिए, तो आप इससे जो नया लेटेस्ट मॉडल है वो लें, क्योंकि उसमें ये फंक्शन है कि जैसे ही आपकी ये दोनों प्रोडक्ट्स आपस में जुड़ती हैं, तो उसके अंदर से एक बीप लगनी शुरू हो जाती है, टी टी की ना एक बीप चलना शुरू हो जाती है। उसका ये फ़ायदा होता है, 1 से 2 सेकेंड के बाद वो खुद से ही रीसेट हो जाती है। अब इस पावर सप्लाई में वो फंक्शन नहीं है, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, आप इसे लेटेस्ट जो पावर सप्लाई है, जो शॉर्टेज होने की वजह से बीप देना शुरू कर देती है, वो वाली पावर सप्लाई खरीदें। अब बारी आती है हमारी इस बैटरी को। अब हमारी ये जो बैटरी है, ये बिल्कुल तकरीबन डेड पड़ी है, काफ़ी देर से मोबाइल के अंदर है, तो मैं इसको लगाता हूँ। इसको लगाने के लिए, अगर जब आपकी बैटरी बिल्कुल डेड है, तो आपने इस पावर सप्लाई को पहले 6 वोल्ट के ऊपर सेलेक्ट करना है, ताकि ज़्यादा वोल्टेज हो और आपकी बैटरी जल्दी उठ जाए। उठने से मुराद यानी कि जल्दी एक दफ़ा से झटका लगे उसको। ये देखिए, मैं इसको लगाता हूँ तो वैसे ही ट्रिप हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो मैं इसको 1 से 2 दफ़ा ऐसे करता हूँ ऑन ऑफ। ये देखिए, 2 से 3 दफ़ा मैंने ऑन ऑफ किया, तो आपको रीडिंग भी मिल रही है और आपके वोल्टेज भी स्टेबल हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इससे अपनी बैटरी चार्ज करते, बस 1 से 2 दफ़ा झटका लगाना है, उसके बाद आपने इसको वापस इसके 4.7 वोल्ट पर लाकर आपने इस बैटरी को अटैच कर देना है इसके साथ। ये देखिए, आपको नज़र आ रही है चार्जिंग करंट, ये आहिस्ता आहिस्ता से खुद ही जैसे जैसे चार्ज होती जाएगी बैटरी, वैसे वैसे इसकी रीडिंग कम होती जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों, ये इस सप्लाई के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी काम हैं, वो इसके साथ अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये वहाँ पर यूज़ होगी जहाँ पर आप समझते हैं कि आपको वोल्टेज स्टेबल नहीं चाहिए, आपको कम या ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपको वोल्टेज चाहिए, ये वहाँ पर आपकी ये सप्लाई इस्तेमाल होती है। तो मैं इसे हर साल 2 से 3 साल से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसके साथ काफ़ी ज़्यादा मोबाइल की रिपेयरिंग भी कर चुका हूँ, और बहुत ज़्यादा अपनी इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक्स में ये मेरी हेल्पफुल है। इंशाल्लाह मैं इस तरह की पावर सप्लाई डिजिटल तो नहीं, मैं इंशाल्लाह एनालॉग जो हैंडमेड है जो कि बहुत ही सस्ती है वो बनाने का तरीकाकार आपको जल्दी इंशाल्लाह बताऊंगा, क्योंकि माह रमज़ान मुबारक का महीना है तो टाइम की थोड़ी सी कमी है, इस वजह से मैं ये नए नए प्रोजेक्ट नहीं बना रहा। तो इंशाल्लाह फिर ये हमारा सिलसिला इसी तरह स्टार्ट रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में इस तरह की आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।